असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। तो गाइस, सबसे पहले आपको हम सस्ती शायरी सुनाएंगे। अर्ज़ किया है कि जिस दिन की थी मेरे दोस्त ने दावत, उस दिन मैंने पेट भर के खाया था। वाह 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 वाह। जिस दिन की थी मेरे दोस्त ने दावत, उस दिन मैंने पेट भर के खाया था। गलती से कर दी थी मैंने पबजी अनस्टॉल, गलती से कर दी थी मैंने पबजी इंस्टॉल, उस दिन मैं बहुत पछताया था। सस्ती शायरी विद द अनॉनिमस बाबा जी। तो हम सब के सब जा रहे थे नोवो यानी अपने कराची। यहाँ पे गन फाइट हो जाती है गाइस, और गन फाइट एकदम ख़तरनाक वाली गन फाइट। आपको पता है, आप जितने भी अच्छा खेलते हो, जितने भी नूब हो, लेकिन जब गन फाइट होती है ना, उसमें आपको आपकी स्किल्स नहीं, आपका लक बचाता है। तो हमें मिल गई थी VSS। सामने एक स्क्वाड उतरा था, तो बाबा जी VSS से मैंने मारने की कोशिश की बट नहीं मरा, और यहाँ पे फिर मैं गन ढूंढने लग गया। तो मुझे फाइनली मिल जाती है M16, जिसको हर बंदा इग्नोर कर देता है, बट ये अब कैसे ऐसे जगह हेल्प करती है ना, मैं बता नहीं सकता। ये गन बहुत हेल्पफुल है, लाइक आपको कई बार इस गन ने बचाया होगा, बेशक एमओ को लेके हो, बेशक कैसे भी, लेकिन इस गन ने आपको काफ़ी बार बचाया होगा। ऊपर से रश हो रहा था गाइस, तो यहाँ मैंने अपने भैया को नॉक किया, पाकिस्तानी भैया थे, अब इनको फिनिश करना पड़ेगा। एक टीम हमारे डाउन है और उनको रिवाइव मिल जाएगा। मैं पीछे आ गया था फॉरन से, क्योंकि यहाँ पर दूसरा बंदा भी आया था। मैं जंप करके मारने की ट्राई की बट साइलेंट नॉक किया। अब इनके आखिरी बंदा बचे हैं गाइस, तीन बंदे डाउन हो चुके हैं। पहले भाई AKM उठाएंगे, क्योंकि लूट का नो मजाक। व्हेन यू सी द क्रेट यू जस्ट टैप 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 इस कार्ड, लूट का नो मजाक। इनके आखिरी बंदे को ही मार दिया था गाइस, और फिर ये अलग स्क्वाड वहाँ पर जा रहा होता है, घूम रहा होता है। भाई को मैं पे सिंगल टैप पे नॉक किया, और देखो गाइस हेडशॉट लगा, एक बॉडी लगा था नॉक होने के बाद, एक हेडशॉट लगा था, ठीक है। इसका मतलब भाई काफ़ी ज़्यादा लो होंगे और रिवाइव उनके लिए होना मुश्किल होगा, क्योंकि उनकी हेल्थ काफ़ी जा चुकी होगी। तो मुझे किल मिल गया। फिर गाइस मेरा दिल करता है ब्रिज कैंप करने का, तो मैं अपने टीममेट्स को बोलता हूं, भाई मैं जा रहा हूं, आप लोग आ जाना, और अब हम करेंगे ब्रिज कैंप। काफ़ी दिनों के ब्रिज कैंप नहीं किया, क्योंकि नोवो में घर में भी बंदे थे, तो बस मेरा दिल कर रहा था ब्रिज कैंप करने का। गाइस मौका ही नहीं मिलता ब्रिज कैंप का, जो मज़ा होता है ना वो आप लोग को पता ही है। तो मैं यहाँ पे घूम रहा था, इतनी देर में पीछे से गाड़ी का साउंड आता है, जो कि मैंने एक्सपेक्ट ही नहीं किया था। एकदम से बैंड बज जाती है, अपने बम की तरफ से गाड़ी आ जाती है। मैं खड़ा था आराम से, देखो जैसे नॉर्मली पता होता है बंदे नहीं है और वहाँ पे सस्ते नशे कर रहे हैं, मैं वैसे ही कर रहा था। मुझे ज़रा आइडिया नहीं था कि पीछे से पूरी की पूरी स्क्वाड डारसिया आ रही है। डारसिया मैं बोल देता हूँ, डारसिया होता है, बट देखो हमारी जुबान है गाइस, अब आदत हो गई है डारसिया बोलने की, तो हम डारसिया ही बोलेंगे। तो मेरा था मैं नीचे जंप कर दूंगा पानी में, बट ये लोग रुकते नहीं है। इनके ड्राइवर जो थे ना, वो सस्ते नशे करके आए हुए थे, जोन के बाहर जा रहे थे। तो यहाँ पे मैं अपने टीममेट्स को बोला, आ जाओ जल्दी, फंस गया मैं, पूरा स्क्वाड रश कर रहा है दूसरी साइड से आके, इनको सैंडविच करते हैं। तो हमारे साइलेंट भैया क्या करेंगे, जहाँ पे दो बंदे बैठ के TPP ले रहे हैं ना, वहाँ पे गाड़ी ठोक देंगे ठा करके। ये ठोक दी, अब वो दोनों को आई गेस नॉक कर दिया, एक ही नॉक हुआ था, बट उसके बाद ना साइलेंट नॉक हो जाता है। अब वो बंदा फंस गया था एक जगह पे, क्योंकि गाड़ी इसी जगह लग गई थी, वो बेचारे ने अपने आप को ब्लास्ट कर लिया। और यहाँ पे मैं डैमेज तो देता हूँ, बट मुझे एक भी किल नहीं मिलता, और सबके सब किल्स मेरे टीममेट्स के पास जाते हैं। फिर कैसे हम लोग वेट करते हैं और ज़्यादा ब्रिज पे, तो ब्रिज से बंदे आ ही जाते हैं, काफ़ी वेट करना पड़ता है इनके लिए। तो कैसे यहाँ पे दोनों के दोनों किल मुझे मिल जाते हैं। मुझे लगा था कि मेरे टीममेट्स को किल लाइक चला जाएगा, बट अच्छी बात है, लेट के 4x लगा के DP चला रहे हो तो कैसे किल जाएगा। तो मज़ा आया टीममेट्स को किल लेके। फिर गाइस इनकी लूट की, और लूट करने के बाद बाबा जी हम लोग गुजर रहे थे पुचिंगी की लेफ्ट साइड से, और यहाँ पे बाना उस पर ना जोन नहीं था गाइस, ये देख लो आप जोन आ रहा है पीछे, 500 मीटर जाना, बट यहाँ पे गाड़ी थी, पर हमने यहाँ पे गाड़ी रोक ली। इनके पास दो फ्लेयर होती हैं गाइस, तो बस देख लो किस्मत। तो मैंने एक बंदा डाउन किया, अब वहाँ पे मेरे टीममेट जो साइलेंट हो जाएगा नॉक। और अब जब नॉक है तो मैं किसी भी टीममेट को लूज़ नहीं करना चाहता था, मैं वापस TPP लेने लगा, बैंडेजेस लगाए, मेरी हेल्थ कम थी, जोन से बाहर से आए थे ना तो हेल्थ नहीं थी, बूस्टर्स वगैरह भी नहीं थे, एक फर्स्ट एड मेरे पास, आप सिर्फ देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक स्मोक कर देता हूँ अपने टीममेट्स के ऊपर, वो लोग नेड वगैरह कर रहे थे, और फिर से मेरी सारी हेल्थ चली गई, तो मैं फिर से हील करने लग जाता हूँ। तो यहाँ पे गाइस मैंने इसको नॉक किया, पीछे वाले टीममेट को मेरे टीममेट ने फिनिश कर दिया, पीछे वाले इसके टीममेट को। और यहाँ पे बाबा जी मौत के मुँह में चले गए थे, बैंडेजेस लगा रहे हैं, लेकिन टक से वापस आ गए। तो टेंशन न लिया करो गाइस, देखो मैं कह रहा था ना, आप जोन के बाहर आप रुक गए, ठीक है, आपने इनको मारा, आपने इनकी लूट की, और आपको मिल गए दो दो फ्लेयर। तो इसलिए कहते हैं जो होता है अच्छे के लिए होता है, नाड़क अच्छे के लिए होता है। टेंशन नहीं लिया करो बाबा जी।
उठा के अपनी यूएस हम लोग जा रहे थे अब जोन के मिडिल में फ्लेट्स लाने के लिए, लेकिन लेफ्ट से साउंड आता है गाइस कि फाइट हो रही है, तो मैं यहाँ पे गाड़ी रोकने का फैसला करता हूँ। पर ये तो सस्ता नशा ही हो गया गाइस। ओहो हो हो, शुक्र है आसमान में नहीं उड़ गई गाड़ी गाइस। वो बाइक वाला ग्लिच आपने देखा, वो घूम घूम के आसमान में चले जाते हो, हेल्थ चली जाती है सारी, वैसा वो बड़ा फनी ग्लिच है, अभी तक ठीक नहीं किया पबजी वालों ने। मेरे साथ हुआ था अभी 2-3 दिन पहले, बाइक पर बैठा, खड़ी हुई बाइक पर, बाइक घूमने लग गई गोल 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 गोल। गाइस गाड़ी हमने पीछे रोक दी थी ताकि उनको साउंड ना आए, और फिर उन्होंने स्क्वाड वाइप किया वहाँ पे गिलफील्ड में, आप देख सकते हो पूरा स्क्वाड उन्होंने मार दिया था। बेचारे लूट कर रहा था नबील हमारे भाई, और इनको हमने नॉक एंड फिनिश किया। अब इनका एक और टीममेट था गाइस, साउंड मुझे आता रेड वाले घर से और मुझे पोजीशन नहीं पता थी, तो मैं करीब आकर ना टीपी पी लेके देखता हूँ। अभी आपने देख लिया होगा बट मुझे उस टाइम नज़र नहीं आया था, ठीक है, मुझे लगा दरवाजे के पीछे, मैं दरवाज़ा तोड़ रहा था और भाई निकल के भागते हैं, गलती से खुद पे खुद मेरी गन के आगे आ जाते हैं। गाइस आपने देख लिया, अभी मैं एडिट कर रहा हूँ तो मुझे भी वो लेफ्ट पे खड़े हुए नजर आए, बट जब मैं गेम में था ना मैंने उनको स्पॉट नहीं किया गाइस, और फिर मैं दरवाजे के पीछे लाइक गेस किया और दरवाज़ा तोड़ रहा था, भाई खुद भाग के गन के आगे आ जाते हैं। और फिर हमने इनकी लूट की, यहाँ से गाइस ऑम मिल जाती है मेरे टीममेट को, और फिर हम यहाँ पे लूट वगैरह करके निकलेंगे जोन के मिडिल में, जा रहे थे कि प्लेयर चलाएं। बट जब आपके नसीब में प्लेयर चलाना नहीं है ना, तो फिर नहीं है, आप कितना भी कुछ कर लो आपके नसीब में नहीं है ना प्लेयर की लूट, तो आपको नहीं मिलने वाली। तो हमारे से कुछ ऐसा ही हुआ था, यहाँ पर हम रुके, यहाँ पे गाड़ी चल रही थी तो हमें लगा बंदे होंगे, एकदम साइड में रुक गए थे, मुंह पे नहीं रुके उनके वरना बैंड बज जाती, लेकिन स्टिल बैंड बज गई क्योंकि वो लोग गाइस फैले हुए थे। मेरी हेल्थ गई, इस भाई को डाउन किया, यहाँ पे हेल्थ नहीं है बिल्कुल भी, इनके दूसरे टीममेट को डाउन किया, मुझे कैसे भी करके रिवाइव करना, हील करना पड़ेगा खुद को। और एक बंदा गाइस इनका सांप बना हुआ है लेफ्ट साइड पे ना हमारे, तो मैं वहाँ पे जाता हूँ, पता नहीं था ये नॉक किया मेरे टीममेट को, सांप बना हुआ था, बट मेरे टीममेट ने वहाँ पे स्पॉट किया और डाउन कर दिया, तो उसके बाद ये रिवाइव करेंगे। और दरवाज़ा खुला हुआ था, मैं नहीं चाहता था नेड है और यहाँ पे कंफर्म हो जाए टीममेट दूसरा नॉक हो जाए, तो मैं ऐसे बंद कर दिया एहतियात के तौर पे। फिर लूट करेंगे बाबा जी, क्योंकि लूट का नो मजाक, लूट हम नहीं छोड़ सकते, मजे से कर रहा था मैं लूट। और गैस अब गटका में भी बंदे, और राइट पे जो रेड घर है ना दो नीचे वाली साइड पे, वहाँ भी बंदे हैं। ये शॉट मैं मिस कर दिया क्योंकि मेरा 6x है ना वो स्प्रे वाला सेंसिटिविटी है, ज़्यादा हिल रहा है। अगर आप स्नाइपिंग करते हो किसी स्कोप से तो उसकी सेंसिटिविटी जो होती है ना गाइस एकदम कम करके रखो ताकि स्नाइपिंग अच्छे से हो पाए। ये देखो अभी स्प्रे के लिए ना तो ज़्यादा है सेंसिटिविटी, वो तो मेरा स्कोप ज़्यादा मूव कर रहा है, आप कम रखो। मेरी 8x ही होती है, 3 या 4 3 होती है दोनों, तो अच्छे से चलता है। अब यहाँ पे मैं इस बंदे को फिनिश किया, लेकिन ये जाते जाते ना साइलेंट को यहाँ पे कंफर्म कर गया ओम से, ओम थी ना, ओम को आपको पता है भाई पहली मोहब्बत है, ख़तरनाक गन है। तो यहाँ पे ये बंदे टीपी, जहाँ पे मैं एक नॉक किया था पहले, बॉडी शॉट मारा, हेड मारा था बट बॉडी शॉट लगा और नॉक नहीं हुए भाई। अब गैस हमें करना था कैसे भी करके इन पे रश, आई थिंक 3v4 है, हम लोग 3 बचे हैं और वो लोग 4 बचे हैं, यही थे अलाइव, वो सर्कल में नहीं थे बट मैं सर्कल उस टाइम देखा नहीं था कि हम सर्कल से बाहर हैं। मैं टीममेट्स को बोला भाई स्मोक करो और गाड़ी में गेट इन करते हैं और रश करते हैं। अभी बंदा यहाँ पर आया था अलग एंगल बनाने के लिए, ये शॉट में मिस किया, और बेचारा देखो गाइस कैसे एंगल ले रहा है अलग से, और भाई को मैं नॉक किया, नॉक करते मैं अपने टीममेट्स को बोला भाई अब टाइम है रश करने का, जल्दी से आ जाओ। अपनी गधा गाड़ी में गेट इन किया और टीममेट का वेट करते भाई जैसे ही आए हम लोग रश करें। आने के बाद फौरन से बूस्ट मारा, भगाई गाड़ी। और कभी भी गाइस अगर ऐसे मौके पर आपकी गाड़ी पर स्प्रे आता है ना, रोको मत, ओपन में आने दो, हो सकता है आपका एक टीम में डाउन भी हो जाए, बट ओपन में रुकोगे तो आपको मरना पक्का है। ये रिवाइव देने गया था भाई हमारा, इनको डाउन किया हमने, पीछे से ये सांप भैया हमें मारे थे, इनको डाउन किया, ऊपर जाएंगे गाइस। और यहाँ पे ये भाई हमारे वेट कर रहे थे, आए हाय इनको मारा और हमें चिकन मिल गया गाइस। और हमारा डायमंड 1 चल रहा था आपको बताओ, लेकिन अब हमारा क्राउन हो चुका है, आपको क्राउन का गेम प्ले देखने को मिलेगा, और फिर हम ऐसा ऐसा क्राउन से आ जाएंगे सीधा एस पे, और फिर हर सर्वर में ऐसे रैंक पुश करेंगे। मैं सारे सर्वर में खेलता हूँ गाइस क्योंकि एक में बस मज़ा नहीं आता, समटाइम किसी में लगा लेते हैं, समटाइम जिसमें अच्छी पिंग आ रही होती है ना। ये देखो हमारा क्राउन हो गया मिडिल ईस्ट में, और अब यूरोप में भी क्राउन लगाएंगे इंशाल्लाह, एस करेंगे फिर। तो एक गेम प्ले मुझे पता है एनोनिमस की पब्लिक जो है वो खुश होने वाली नहीं है, तो हमने लगा लिया दूसरा गेम प्ले। अभी मुझे खाना भी खाना है गाइस, रात का भूख लग रही है काफ़ी ज़्यादा, बट मैंने कहा एडिटिंग कर लूँ और फिर मैं खाना खा लूँगा। और मज़े की बात ये जो गाइस अभी प्लेन आया ना, इन ये सबसे अच्छा स्क्वाड आया था लॉबी में, और लाइक ये मतलब बंदे मार रहे थे और मैं अकेला खेल रहा था। देखो गाइस जो सोलो स्क्वाड होता है ना वो काफ़ी मुश्किल होता है यार, आप जितने भी अच्छे खेलते हो ना आपको सोलो स्क्वाड में लक चाहिए होता है। अब डेफिनेटली ये जो पाकिस्तानी स्क्वाड आया हुआ ये 4 लोग होंगे और मैं अकेला था, और ऐसे ही जो भी होते हैं ना, अब जितने भी बंदे लॉबी में आए होंगे ना, जितने भी नूब हों, लेकिन 1v4 का एडवांटेज उनको होता है। वो जितने भी नूब है गाइस सांप बन के आप कितनों को मार पाओगे, लाइक लक चाहिए होता है आपको आपकी स्किल्स के साथ साथ। तो इसलिए मुझे काफ़ी टाइम लगता है गेम प्ले बनाने में, अक्सर मरता रहता हूँ और बहुत मुश्किल से जाके गेम प्ले निकल आता है, ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि हर गेम में, हाँ मतलब 1v4 तो मैं कर लूँगा, लैंड हुआ कहीं पे कर लिया 1v4, लेकिन फिर आगे जाके मर जाते हैं, हर बार लक चाहिए होता है ना, थोड़ा थोड़ा लक के बगैर मुश्किल हो जाता है।
तो आसमान बिल्कुल साफ था, बारिश का कोई इम्कान नहीं था, कोई बंदा यहाँ पे आया नहीं था। तो बाबा जी हमने यहाँ पे 2 मिनट की लूट और 2 मिनट बाद हम यहाँ से लूट करके जॉर्ज पुल की तरफ चल पड़े। और मैं बिल्कुल आराम से सुकून से खेलना चाहता था। गैस मैं 2 तरह का गेम प्ले करता हूँ, एक बार ऐसा करूँगा कभी कभी कि बिल्कुल घुस के खेलूँगा, कोई TPP नहीं कुछ नहीं, और समटाइम मैं बड़ा सोच के खेलता हूँ। अब ये फायर ले रहे थे, मैं आराम से वेट किया, मैं नहीं चाहता था मैं अपनी पोजीशन रिवील करूँ, एक से बढ़ के 2 वेट किया। जैसे वो लूट करने आए क्रेट के ऊपर, अपने DPS से स्प्रे खोल दिया, पहले देखा घास में से नज़र नहीं आ रहा था सही से, और ये भाई तो इतने लो थे ना, बट ये थोड़ी सी अकल इस्तेमाल कर गया इसने, लेफ्ट राइट होके ना अपने आप को बचा लिया, बट बहुत लो होंगे वो, 1 HP हो गई उनकी भी, लेकिन उनके टीममेट को मैं कर दिया फिनिश। और ये वाला गेम प्ले जो था ना गाइस, मैं बिल्कुल सुकून से खेल रहा था एकदम, मतलब रोटेट करके सब्र करके ये मैं गेम प्ले उस तरीके से खेल रहा था, क्योंकि मैं नहीं चाहता, मतलब जब टाइम ज़्यादा हो जाता ना, मेरे पास टाइम कम होता है गेम प्ले बनाने के लिए, एडिट करने के लिए, फिर मैं थोड़ा सुकून से खेलता हूँ, लेकिन जब मैं स्टार्ट करता हूँ ना दिन, तो बस घुस के खेल रहा हूँ, मर रहा हूँ, घुस के खेल रहा हूँ, मर रहा हूँ, ऐसे जाता है फिर मेरा टाइम। तो गाइस जब मैं आगे की तरफ जा रहा था, यहाँ पे पहले बूस्ट वगैरह मारा और एकदम लेफ्ट से मैं आ गया इस साइड पे। तो यहाँ पर आने के बाद मुझे जहाँ से मैं आया था ना, मतलब अभी राइट और अभी लेफ्ट जहाँ से मैं आया था वहाँ से साउंड आता है, गोली भी चलती है, तो मैं वापस उधर जाने की तैयारी करता हूँ। यहाँ पे 2 स्क्वाड आ जाएंगे और अचानक से मैं सैंडविच हो जाऊँगा 2 स्क्वाड के दरमियान में। बट बाबा जी कोई बात नहीं, देखी जाएगी, जो होगा अच्छे के लिए होगा, और नाड़ा जो है वो होगा कच्चे के लिए। यस बॉयज़ एंड गर्ल्स, अपनी उजी निकाल ली हमने, लूट कर रहे हैं भाई, इनको डाउन किया, बॉट को मार के लूट कर रहे थे मज़े से, उनके टीममेट पीछे से आ रहे हैं जो आपने देख भी लिया होगा, मैंने भी देख लिया था, तो मैं थोड़ा सा आ गया कि टीपी पीने लग जाता हूँ। एक और बॉट आ गया तो मैं उसको नहीं मार रहा था, क्योंकि गाइस बॉट ऐसे टाइम पे आपको ना हेल्प कर देता है, एनिमी को कंफ्यूज कर देगा, हेल्प कर देता आपकी। तो यहाँ पे मैंने दोनों इन दोनों को डाउन कर दिया गाइस, अब इनको फिनिश करने का टाइम था, बट अब मुझे लग रहा था इनके और भी टीममेट होंगे। ऊपर से साउंड आता है कंटेनर के ऊपर कोई घूम रहा है, पहले मैं बॉट को मारता हूँ यहाँ पे, ऊपर से कंटेनर के अंदर से साउंड आता है कि अंदर बंदा घूम रहा है, इन्हीं का बंदा होता है ये। इन भाई को भी हमने नॉक एंड फिनिश कर दिया, अब इनका आखिरी बंदा गाइस मुझे नहीं पता था कहाँ पर है, और ये लोग भी भाग रहे थे पीछे की तरफ रिवाइव होने के लिए। पहले लूट उठा लेते हैं, क्योंकि बाबा जी लूट का नॉर्मल था, क्या पता क्रेट से कोई बात में उठा के ले जाए, कितने भूखा हूँ मैं गाइस लूट का, है ना। तो मैं यहाँ पे किल कंफर्म करने के लिए आ जाता हूँ पीछे की साइड पे, और यहाँ पर आई गेस इनका टीममेट था या अलग टीम थी मुझे नहीं पता गाइस, बट बंदे ये काफ़ी आ जाते हैं बाद में भी। इस भाई को डाउन किया, ये भी नॉक ही हुए थे, क्योंकि 3 मैं ऑलरेडी नॉक कर चुका हूँ गाइस, ये भी नॉक हुआ, तो इसका मतलब 2 टीमें हैं। और यहाँ पे अलग से साउंड आ रहा था तो मैं नेड निकालता हूँ, आई गेस गाड़ी आई थी, और मैं यहाँ पे नेड फेंक देता हूँ, बट इस नेट से कुछ नहीं होता, उम्मीद थी फट जाएगा भाई हमारा, बट नहीं ब्लास्ट होता, वापस से पीछे भागता है। थोड़ा सा डर भी लग रहा था कि गेम प्ले ख़राब ना हो जाए, नॉक कितने ज़्यादा किए थे, किल नहीं मिलते थे। तो यहाँ पे इन भाई को भी मारा और ये कंफर्म हो गए, तो थोड़ी सी खुशी हुई। 2 टीम्स ही थी गाइज, ये एक तो नहीं थी आई गेस। और फिर मैं मज़े से जाना यहाँ पे इनकी करूँगा लूट, मे बी एक टीम और रिवाइव हो गया आई डोंट नो, बट फिर मज़े से बाबा जी हमने की लूट इनकी। और M4 उठा ली थी मैंने साथ में, क्योंकि जगह कम लेती है ना गाइस, M4 की ये लालच होती है जगह कम लेती है। फिर मैं आ गया था स्क्वाड हाउस, और स्क्वाड हाउस में आके हमने गाड़ी लगाई, गाड़ी लगा के मैं एकदम वेट कर रहा था, क्योंकि स्क्वाड हाउस जो था ना गाइस सर्कल के एकदम मिडल में था, तो ऐसा था कि यहाँ पे रश होना ना पक्का था, तो मैं पे लगा देता हूँ गाड़ी, और इसको इतना डैमेज कर देता हूँ कि 1-2 गोली में फट जाए, ब्लास्ट नहीं करता, क्योंकि इस US परफेक्टली लगती नहीं है, अगर डार्से होती तो वो मैं CD में फंसा देता। फिर गाइस यहाँ पे सामने हो रही होती है फाइट, और ये वही पाकिस्तानी स्क्वाड होता है जिसका प्लेन था ना, मैं आपको बोल रहा था ये काफ़ी बंदे मार रहे थे। तो मज़े की बात ये मेरे पास MK होती है, लेकिन ओम या कार्नेडेट वगैरह नहीं होती, और कार्नेडेट बिल्कुल मेरे पीछे पड़ी है अभी यहाँ पे छत के ऊपर, और मुझे नहीं पता लाइक यहाँ पे छत पे ऐसे ही पड़ी हुई लूट के तौर पर जैसे होता है, और मुझे नहीं पता मैं MK चला रहा था, और MK मुश्किल होता है इतनी दूर, क्योंकि उनके पास कार्नेडेट वगैरह थी, तो थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था मेरे लिए। और लाइक वो अभी तक इजी ले रहे थे, उनका एक बंदा बहुत ओपन में चला जाएगा इतना इजी लेगा, मैं यहाँ पे थोड़ी सी सेंसिटिविटी जो है वो सेट की, क्योंकि मैंने स्नाइपिंग की हुई थी, अब ज़्यादा हो जाएगी, पहले कम थी देखो ज़्यादा हो गई है, बट मैं हेडशॉट मारा। अब गाइस अब देखोगे ठीक है, ये चीज़ आप याद रखना, एक हेडशॉट हो गया भाई को, बेशक लेवल 3 हेलमेट है ठीक है, एक हेडशॉट हो चुका है। अब मैं थोड़ी सी दोबारा सेट की सेंसिटिविटी रिलोड करेंगे, और इनका एक बंदा ना ओपन से आ रहा है, वो देखो राइट से भाग रहा है, तो यहाँ पे मैं M4 निकाली स्प्रे करूँगा, डाउन किया, मुझे कैसे भी करके करना था कंफर्म, और ये साइड से मुझे पड़ रही है, कवर दे रहे हैं वो लोग उसको। देखो गाइस बॉडी शॉट मारा, फिर से बॉडी शॉट मारा, और मेरी अब हेल्थ जा चुकी है, मैं दोबारा से नहीं दे सकता पीक, तो बस 2 बॉडी शॉट लगने के बाद भी भाई जो है ना बिल्कुल लो HP पे हो जाएंगे रिवाइव। अब एक हेडशॉट मारा था ना गाइस लेफ्ट वाले को, अभी यहाँ पे ये दूसरा हेडशॉट लगा ठीक है,
अभी भी लेवल 3 हेलमेट से कुछ नहीं बिगड़ा उनका। ठीक है, फिर मुझे यहाँ पे नज़र आता है कार्नेटेड पड़ी है, तो कार्नेटेड उठा के मैं इसकी सेंसिटिविटी सेट कर लूँगा। अभी तो ज़्यादा ही है, मुझे सेट करनी पड़ेगी। मैं वेट करता भाई का कि भाई इनको तो नॉक करूँ ना, ये तो रिवाइव ना हो पाए। एक को तो रिवाइव मिल गया, अच्छा खेल रहा था ये, अच्छी स्नाइपिंग कर रहा था मेरा भाई। ये देखो लाइक पीक लेते ही मार रहा था, तो मतलब अच्छा खेल रहे थे ये लोग। और फिर मैं अपनी सेंसिटिविटी थोड़ी सी सेट की, ज़्यादा थी कम की। 2 हेडशॉट मारे थे गैस, ठीक है, एमके से। हेलमेट लेवल 3 का टूटना चाहिए था बिल्कुल, और लाइक अगर नहीं भी टूटा तो बिल्कुल ज़रा सी एचपी उसकी रहनी चाहिए थी। हेलमेट की हेल्थ काफ़ी कम रहनी चाहिए थी। ये लोग गाड़ी निकाल के आ रहे थे और मैं जैसे पीक दे रहा था, ये जो दरख्त वाला नहीं जिसको कवर दे रहा था, अब डैमेज तो देता हूँ बट ये लोग बच जाते हैं। शायद मुझे थोड़ा सा बैटर स्प्रे करना चाहिए था यहाँ पे। फिर से हेडशॉट मारा गाइस, 3 हेडशॉट, लेकिन लेवल 3 हेलमेट का कुछ नहीं बिगड़ा, नॉक नहीं हुए। मुझे काफ़ी ख़राब लगा था यहाँ पे, लेकिन कोई बात नहीं, मेरी वेस्ट जा चुकी है। यहाँ पे लेवल 1 की वेस्ट पड़ी थी तो मैं वो उठा लूँगा फिलहाल के लिए, जो है उससे गुजारा करना पड़ेगा। अब नेट की बरसात होने वाली है, तो उससे पहले मैं एक ज़रा स्मोक वगैरह करके थोड़ा सा ना लाइक उनको रश करने से रोकना है। और फिर एड्रेनालिन होता है ये, मैं एड्रेनालिन इसको भी बोलता हूँ। जितने भी पबजी में चीज़ें ना, मैंने उनके अपनी अल्फाज मतलब निकाले हुए हैं, डार्सिया एड्रेनालिन पता नहीं क्या क्या बोलते रहता हूँ, अपनी ही दुनिया बना रखी है हमने। और फिर मैं यहाँ आके बैठ जाता हूँ ताकि नेट वगैरह से बचा जा सके। स्मोक कर देता हूँ पूरे घर में ताकि रश हो तो मुझे थोड़ी से मौका मिल सके। 1v4 है तो मुझे थोड़ा मौका मिल सके कि मैं फाइट में लाइक थोड़ा टाइम मिल जाए 1v4 करने का। तो मैं इसने स्मोक कर दी हर जगह कि उनको सही से नज़र ना आए, मेरे पास थोड़ा सा एडवांटेज हो जाए, जो अभी मेरे पास नहीं था। ज़्यादा सारे स्मोक फेंक दिए घर में और वेट करता यहाँ पे, गाइस नेट नहीं आता कभी भी। हाँ, दरवाज़ा ओपन है तो आएगा, तो उसके बाद मैं यहाँ आकर देखता हूँ कि बाहर से जाकर नॉक करूँ तो ये सब जम करने लग जाते हैं। और फिर मैं नीचे जम करता हूँ, उनके इनसे बात वगैरह होती है। तो मैं का दिल कर रहा था भाई फाइट करने का, लेकिन फिर पास आया तो मारा दादा बदल के, उन्होंने कहा नहीं। तो फिर मैं अपने भाई लोगों को बोलता हूँ कि भाई ठीक है, आप लोग एक काम करो, मुझे ना लाइक एंड तक आपने बचा के रखना है कैसे भी करके। ज़्यादा लाइव नहीं थे, 5 लोग तो हम ही थे, सिर्फ 4 लाइव थे। लेकिन मैं अपना सारा सामान ड्रॉप कर दिया, फिर भाई लोग के साथ ना थोड़ा सा घूमा, बातें वगैरह की इनसे, और उसके बाद इन्होंने मुझे लाइक ज़िंदा रख लिया बिल्कुल। सब मर गए थे, आखिरी बंदा जोन से मर जाता है। फिर मैं यहाँ पर बातें वगैरह करते हैं थोड़ी सी, और उसके बाद मैं डिसाइड करता हूँ कि भाई चिकन जो है ना मैं नहीं लूँगा, भाई लोग को देना चाहिए, ये लोग डिज़र्व करते हैं। और फिर ये लोग मना कर रहे थे कि भाई नहीं भाई नहीं, लेकिन ये लोग चिकन दे रहे थे, बट ऐसा अच्छा नहीं लगता गाइस। आप लोग चिकन लो, लव यू। चिकन मैं अपने भाई लोग को दे देता हूँ और फिर ऐसे ये वाला गेम प्ले ख़त्म हो जाता है। गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करके कमेंट्स में ज़रूर बताना। मेरी कोई बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना और सपोर्ट करते रहना एनोनिमस की पब्लिक। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना और प्लीज़ इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में। सॉरी मेरी ना रिकॉर्डिंग क्रैश हो गई थी। इंस्टाग्राम पे गाइस फॉलो कर देना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में होगा। और इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में कल। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।